नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में आज हम आए हैं सलूंडिया। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबर पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सलूंडिया पंचायत समिति नोखा है। यहाँ के सरपंच सुमित्रा बिश्नोई चुनाव में निर्विरोध विजयी मिली थी। कुल 7046 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 5100 मतदाता हैं और कुल 11 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच रोशनी देवी और सरपंच प्रतिनिधि राम स्वरूप हैं। आइए अब सरपंच और गांव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले जनता की आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लॉकडाउन के दरमियान कोरोना महामारी को देखते आपने क्या किया गाँव ग्राम पंचायत में या कौन कौन से कार्य किए बताइए। ग्राम जन जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया, मास्क वितरण किए और पूरे गांव को 2-3 बार सैनिटाइज किया। एक और, अभी आपके ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य चल रहे हैं, कौन कौन से कार्य चल रहे हैं? सार्वजनिक शौचालय, नरेगा। आपकी नज़रों में आपकी ग्राम पंचायत में मूलभूत अभी क्या क्या समस्या है जिसका विकास की आवश्यकता लग रही है? ग्रामीण क्षेत्र में जैसे गाँव के लोग ढाणियों में ज़्यादा निवास करते हैं, उनके आवाजाही में परेशानी होती है, उसके लिए सड़कें और लाइट की व्यवस्था, स्कूलों में स्टाफ की व्यवस्था, स्टाफ कम होने की वजह से इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, पशु चिकित्सालय की कमी है। जैसे कि सरपंच महोदय, जैसे मैंने देखा कि आपकी जो आपके ग्राम पंचायत दो गांवों की है, गट्टू और सलूंडिया, जो उसको जोड़ती है रोड, वो रोड एकदम देखा जाए बारिश के मौसम पूरा का पूरा पानी से भर जाती है और जर्जर रोड है, और साथ साथ ही लुंडिया से सिंधगुरु जो रोड जाती है वो भी एक जर्जर रोड टूट चुकी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ग्रामवासियों ने मुझे बताया था ये बड़ी समस्या है, इस समस्या का हम जल्द से जल्द समाधान करेंगे, दोनों सड़कों को जल्द से जल्द सही करवाने का कार्य करेंगे। यह आपके ध्यान में तो है? हाँ जी। सरपंच महोदय, जैसे कि देखा जाएगा हर जगह इस बार किसानों के जैसे टिड्डी मार हुई है, किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, आपकी ग्राम पंचायत में इस प्रकार की घटना हुई या सफल रहा? किस प्रकार किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? किसानों को टिड्डी और फाका का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि फसल बीमा योजना का किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। जैसे कि उन्होंने बहुत सही कहा, जो भी अगर उनको किसानों को मुआवजा मिले वो मुआवजा मिलना चाहिए। सरपंच महोदय, जैसे कि बहुत बड़ी बात है, आपको निर्विरोध चुना था ग्रामवासियों ने, तो बहुत बड़ी बात है, बीकानेर जिले के लिए एक इतिहास रचा था आपने, तो आपका एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है पूरा, आपको आपका गांव ही नहीं पूरा दूसरे गांव भी नोखा के बीकानेर जिले के देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार को विकास को करोगे और गाँव की जनता को क्या कहोगे निर्विरोध चुनने के ऊपर? मैं गाँव की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और गाँव की जनता के सहयोग से मैं निर्विरोध सरपंच पद पर चुनी गई हूँ। मेरा दायित्व रहेगा कि मैं 5 साल गाँव की जनता के गाँव में जो भी विकास हो मैं तय दिल से करूँगी और इन सब में मेरा अकेले का हाथ नहीं, पूरा गाँव साथ देगा। गाँव की कोई भी समस्या हो ग्रामवासी हम मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करूँगी। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, आपको क्या लगता है अगर आप इस ग्रामवासियों आपकी कोई अगर समस्या होती, इन्होंने खुला बोला है कि हमसे संपर्क कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आपकी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा या प्रशासन नहीं सुन रहा, तो नीचे मेरे नंबर दिए गए, मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपके गाँव में जनता दरबार लगाना है तो भी आप कमेंट द्वारा दे सकते हो। अगर आपके गाँव में ऐसी कोई समस्या है, चाहे इस गांव में चाहे अन्य गांव के वासी हो आप, तो आपके कोई गांव की समस्या तो हमसे संपर्क करें, अगर जनता दरबार लगाना तो हमसे संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम।